हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल। स्वागत है आप साथ में चैनल्स में दोस्तों। तो फिर आज मैं आपको न्यू लेक्चर लेकर आ गया हूँ। प्रोपोर्शन जो चैप्टर में आपको पढ़ाया था उसका एक्सरसाइज बचा हुआ है, आज इस लेक्चर में वही कराने वाला हूँ। बीस मिनट और बिजनेस लॉ के आज मैं लेक्चर नहीं दे पाऊँगा, कल आपको अपलोड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी कुछ काफ़ी टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपको मैं जैसे भी टाइम मिल रहा है आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई नहीं, लेकिन डेली बाई डेली एक लेक्चर आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज हम ऐसे ये स्टेटमेंट लग के एक्सरसाइज करने वाले हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने में लगा जो जो नए होगा, लेकिन ऐसे उतना आपको नहीं लगा नहीं, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके होंगे 8th 9th 10th में, जिसके भी मतलब मॉड्यूल में ये होगा चैप्टर। तो आप बहुत आसान लगेगा और मैं आपको सारे प्रॉपर्टी क्या क्या सब तो आपको मैं बता ही दिया हूँ, बस आप एक्सरसाइज करना है। बहुत छोटा है टॉपिक था, प्रोपोर्शन भी और एक्सरसाइज भी बहुत कम है इसका, ज़्यादा नहीं 20-25 क्वेश्चन में भी हो सकता है। तो उतना करेंगे जो जो ऐसे जब कैलकुलेटर थ्रू होगा तो कैलकुलेटर थ्रू कर देंगे, जो लिखाने वाला मैं लिखाया करूँगा। तो चलिए, आप भी लेक्चर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो पहले वाले रेशियो के चैप्टर से प्रोपोर्शन के वो सब मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, और जाके वहाँ से आप सब सारे लेक्चर देख सकते हैं। आई होप आप तो सब अच्छे होंगे। चलिए निकालिए और साथ में करते हैं, आपको ऐसे स्टूडेंट के क्वेश्चन भी करा देता हूँ ताकि फिर अगले लेक्चर्स में आपको नए टॉपिक देखने में लगा, क्योंकि एक ही टॉपिक में बार बार लेक्चर्स करके मैं नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि कोर्स भी आपको ख़त्म कराना पड़ेगा इसीलिए। तो आइए आप भी निकालिए साथ में और मेरे साथ पढ़िए और एक्सरसाइज करते हैं। ये ध्यान रखना जरूर, इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूँगा वो लगाते चलना, फिर बाद में ये मत बोलना कि नहीं होता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है और वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको समझ आएगा और एक एक क्वेश्चन इसमें कवरेज होगा आपको, तो फिर आपको डाउट कभी भी नहीं आएगा। ये अगर लेक्चर आप लास्ट तक देख रहे हो तो डाउट आने के मतलब मैं गारंटी लो डाउट आएगा ही नहीं, इसलिए आप जरूर लास्ट तक बनेंगे। चलिए फिर निकालते हैं और आप भी निकालिए। ओके, तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर में क्या दे गया है, तो 4 प्रोपोर्शंस टू आपको 4th प्रोपोर्शन निकालना है और 4, 6, 8 आपको, यानी कि 1st 2nd 3rd देख रहा है, 4th निकालना है। तो सीधी सीधी बात है, पाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 के B है ना, 1 के B, एक्सरसाइज 1 के B है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है। क्या लिख लगा है कि 4 1st टर्म 2nd टर्म और 3rd टर्म देखा है, बोल रहा है कि 4th टर्म निकालने के लिए, मान लो x मान लिया, ठीक है, तो ये निकालिए। पर a बाई बी मीन्स 4/6 इजकल टू c वैल्यू, मतलब 8/x। कोई डाउट इसमें है दोस्तों? बिल्कुल नहीं है। x इजकल टू कैलकुलेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 × 6/4 ये तो ऐसे भी कर सकते, फिर भी आपको मैं दिखा दिया। तो ये हो गया, फर्स्ट में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आसान है, इतना आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, द 3rd प्रोपोर्शन टू क्या होगा, मतलब ए दे रखा है और बी दे रखा है, क्या पूछ रखा है, सी पूछ रखा है। आप बोलोगे डी भी नहीं दे रखा है, हाँ, तो यहाँ पर आपको मैं जब वहाँ पर बताया था एक रूल, तो मैं जब कैसे बना रहा हूँ आपको देखने मिलेगा। ए और बी अब निकालना क्या है, सी निकालना है। ओके, तो ये दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या दे रखा है, ए और बी दे रखा है, मतलब 2 नंबर उसको क्या रखा है, 12 और 18 दे रखा है, मतलब ए और बी दे रखा है, मीन्स ए पर देना, ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी, मीन्स हमारे गिवन क्या है, ए कितना है 12 और बी कितना है 18। तो ये जो हमारा ये भी है ना सी, ये भी हमको निकालना है, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ पढ़ाया था कि अगर हम 3rd प्रोपोर्शन ए और बी बस दे रखा है और 3rd निकालना, तो क्या करना है पता है आपको, ये जो बी है ना इसके डबल मल्टीप्लाई करना होगा, 18 × 18 अपन में 12, समझ रहे हो कि नहीं, मीन्स बी स्क्वायर इजकल टू ए सी, या तो है ना आपको, तो मीन्स बी के स्क्वायर कर दीजिए, तो 18 के स्क्वायर कर दे कितना जाएगा, आइए दोस्तों 16 × 18 कितना हो गया,
324 डिवाइड में कितना है 12, डिवाइड 12 कीजिए, डिवाइड 12 कितना है 27 आंसर हो गया। आइए 27 आंसर है इसमें, 27 बिल्कुल करेक्ट बना गया। अगला है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 25 × 81, ये तो कैलकुलेटर में जाएगा। मीन का 25 × 81 इसका रूट निकाल दीजिए, कितना है 45, 3 के सी। आपको थोड़ा थोड़ा स्मार्ट ट्रिक भी करना पड़ेगा और कैलकुलेटर द्वारा भी करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फोर्थ नंबर देखिए द नंबर्स व्हिच हैज द सेम रेशियो 26:6:13 मीन्स क्या हो जाएगा 13 × 6 मतलब ये आपका आंसर है इसमें, बिल्कुल नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 of 30 हो जाएगा। ओके फिफ्थ को जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है आपको, ए बी सी मतलब गिवन दे रखा है कितने 2a² और सी, तो आइए आपको निकाल के बताते हैं क्या दे रखा है। 2a दे रखा है a² और ac दे रखा है, मीन्स ए बी और सी के बदल मतलब डी फोर्थ प्रोपोर्शन निकाले इसको मैं x मान लूँ, तो आइए 2a² = ac/x, ठीक है दोस्तों। ये a से ऊपर ऊपर कट जाएगा बिल्कुल, 2x = a² c मीन्स x = a² c/2, ये है आंसर। देखिए दोस्तों ये दोस्तों क्या लिखा, ओ सॉरी यहाँ पर ए सी नहीं है सी है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ए सी हो जाएगा मतलब ac/2 मीन्स ac/2, ये क्या आंसर अपना है देख सकते हैं, ये बिल्कुल है 5a नंबर। ठीक है सिक्स नंबर वही है, सिक्स नंबर क्या बता रहा है आपको, इफ फोर नंबर्स 1/2, 1/3 ये आप निकल देगा एक्स, तो मुझे निकालना जरूरत नहीं है, ये खुद कर लोगे, अगर नहीं है तो करा ही देता हूँ, लेकिन उतना हार्ड नहीं है कि जब करा दो। 1/2 दिया है, 1/3 है, स्क्वायर में 1/5 है, 1/x है, क्या करना 1/2 = 1/3 हो जाएगा, 1/5 / 1/x ये होगा ना, 1/2 × 3/1 = 1/5 × x/1 मीन्स 3/2 = x/5। ओके x = 5 तो 50/2 देख लीजिए आप, 50/2। ओके द मीन्स प्रोपोर्शन बिटवीन, ये भी है सही है, मीन प्रोपोर्शन निकाला है तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, रूट निकाल दिया 12 × 27 कितना है रूट 18, और x² मतलब इसका भी रूट निकलता है xy हो जाएगा, मीन्स 18xy। ओके अब आइए आपको मैं कराता हूँ ये 8 नंबर, ये थोड़ा अलग टर्म का क्वेश्चन है, जो न्यू होगा टर्म का क्वेश्चन वो मैं आपको कराते रहूँगा। 8 नंबर में दोस्तों क्या लिखा है, a = b/2 = c, देन ए बी सी कितना होगा, 8 नंबर क्या देखा दोस्तों, a = b/2 = c/5, देन a = b = c कितना, ये पूछ रहा हम लोग बिल्कुल, तो आइए a = हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b = 2 है, c = 5 हो जाएगा, मीन्स हमारा रेशियो हो जाएगा 1:2:5 आंसर हो गया। ओके इसके नीचे एस के नीचे कुछ नहीं था, 1 कर मान लेंगे ना, तो c = 1 c = 2 c = 5 हो गया, 1:2:5 बिल्कुल आंसर आपको मिल गया। अगला ये 9th नंबर क्वेश्चन सही है, 9th नंबर क्या बोल रहा है आपको, a = 3 b = 4 c = 6, ये आपको एग्जाम्पल्स में बता दिया हुआ करने जरूरत नहीं, a = 3 हो गया +4 + 7 = देख कैलकुलेटर आपको बताता हूँ, a3 + b4 + c7 और डिवाइड बाई सी कितना है 7 हो गया, डिवाइड 7 2 आंसर हो गया, ये देख लीजिए आप बिल्कुल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। और जब p/q = r/s 2.5 मीन्स p/s = q कितना होगा, मतलब कहने का मतलब क्या है, कितने नंबर से है दोस्तों 10th नंबर, p
पी बाई क्यू इजकल टू आर बाई एस इजकल टू 2.5 बाई 1.5। देन क्या पूछ रहा है, पी एस इज टू क्यू आर, यही पूछ रहा है ना। बिल्कुल, मतलब क्या है, पी इजकल टू भी 2.5 हो गया है और R के भी 2.5 हो गया, Q के भी 1.5 हो गया, S के भी इक्वल टू 1.5 हो गया। तो PS मीन्स PS इसके से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके इसके मीन्स कितना हो जाएगा 2.5, ये दोनों क्या कर लेंगे, S को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको ये P इक्वल टू इतना, R इक्वल टू इतना गया, QS तो PS निकाला है, तो PS 2.5 इंटू 1.5 3.75 मीन्स 3.75 बाई 3.7 सेम नंबर है, इक्वल टू 1:1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अभी 11th नंबर क्या है, x y इक्वल टू 0 सेम है, बस आपको ऐसे निकालना और ये प्लस इसमें करना, आपको इसमें मल्टीप्लाई कर, ओके कोई दिक्कत नहीं आपको। आइए 12th नंबर निकाल लेते हैं, आपको बता ही देता हूँ क्या लगेगा। If fx minus 3y, 5x minus 3y, 5 by 3 = 3 by 4, the value of xy कितना हो गया, कितना है 12th नंबर क्वेश्चन में 5x minus 3y, 5y minus 3x = 3y 4 है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 4 = 20x - 12 5 3 = 50y - 3 = 9x। ओके, एक्स एक्स एक जगह लिए 20 और 9 इधर एड हो जाएगा 29x = 50, उधर भी जाएगा एड हो जाएगा 27y, मीन्स एक्स बाई वाई इजकल टू 2 हमारा आंसर क्या आ गया, इतना आया, क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है, नहीं गेस क्या आ गया हमारा, नॉन ऑफ 23 हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर अगला ये क्वेश्चन पर, तो दोस्तों आइए आपको मैं कराता हूँ, कितने 11th नंबर आपको करा दिया था बीच में, तो अभी फिर से कराता हूँ आपको। 11th नंबर में क्या है दोस्तों, a बाई बी इजकल टू 3/2 दे रखा है और b बाई सी इजकल टू 3/5 दे रखा है, हमें निकालना है a इज टू बी इज टू सी, ए निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मीन्स क्या रखा है, a बाई बी इजकल 3/2 है और b बाई सी इजकल टू 3/5, क्या ये हमारा जो b है दोनों ही बराबर इक्वल है, नहीं है, जब इक्वल करेंगे तभी तो आपका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तभी तो आप लिख सकते हैं ना। तो आइए, जब हम इंक्लूड कहीं पे नंबर थपते हैं कुछ भी करते हैं तो दोनों साइड में होता है और ऊपर नीचे दोनों होता है, न्यूमरेटर दोनों में। तो आइए हम कितना इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो सकता है, तो हम इसमें दोस्तों 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें 2 करो 6, बिल्कुल हमें बी बी को मिलाना ना और बाकी से मतलब है नहीं, बिल्कुल। तो ये ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, 3 2 6 नीचे क्या हो जाएगा 10, मीन्स ए इजकल टू 9, बी इजकल टू 6 और सी इजकल टू 10, तो हमारा क्या हो गया ए इज टू बी इज टू सी इजकल टू कितना हो गया 9:6:10, ये हुआ ना। तो देखिए हमारा आंसर मैच हो रहा है, 9:6:10 बिल्कुल मैच, कोई आपको दिक्कत नहीं है। आइए 14 नंबर में, एक्सकल टू 2 हो गया, वाई इजकल 3 हो गया, 0 7 आज पे पुट करके आपको निकाल देगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद कर लोगे, इतना आसान क्वेश्चन है। फिर 50 नंबर क्या है, एक्स बाई वाई स्क्वायर 2/3 y² x y z सेम 13 जैसे ना, आप कर लोगे। अब आइए 60 नंबर क्या बोलते हैं, 7 15 division 70 into 3 part, 3 part क्या करें, डिवाइड किस रेशियो में, 4 5 6, आप पार्टनरशिप पर रखो या ऐसे रेशियो पर रखें, अगर डिवाइड करना है तो पहले कैसे करते हैं, एक्स के ये हो गया रेशियो, वाई के हो गया और जेड, तो हमारा पहले कितना अमाउंट रखा है 750 इंटू एक्स कितना है 4, और उस इस ये जो नीचे जो आते ना डिवाइड में टोटल जोड़ देंगे, टोटल रेशियो जोड़ देंगे, कितना है 549 9650, यानी कि 4/50 200
200 पहले कहीं शुरुआत में है, वो हमारा आंसर ही हो जाएगा। बाकी निकाल जरूरत नहीं, निकालो अब आ जाएगा। फिर दिखा तो आपको 750 इंटू 5, दूसरा वाई का 5 है, डिवाइड 250 दो 250। ओके आइए 70 नंबर क्या बोलते हैं दोस्तों, 70 नंबर कुछ आता है दोस्तों। हम एज ऑफ 3% कितना देखा है, 115 ईयर्स दे रखा है, और 10 ईयर्स एक और देर वर्ष कितना हो गया, द रेशियो 7:8:9 हो। तो दिस प्रेजेंट एज कितना होगा आपको ये निकालना है। आइए ये भी इजी आपको है। तो दोस्तों आइए आपको मैं कुछ कितने 70 में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या बोला है कि प्रेजेंट एज कितना होता है, लेट लेट करते क्या, लेट एक्स मंथ है, अच्छी मंथ है, लेट द एज ऑफ 3% क्या क्या आर एक्स वाई एंड जेड, यही बोलेंगे दोस्तों। बिल्कुल कितना दे रखा है तीनों के 150, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या हुआ। अब क्या बोला है कि क्वेश्चन में कि 10 ईयर्स एगो देयर वेज कितना दिया था, देयर वे सॉरी एज रेशियो कितना, वेयर इन द रेशियो 7:8:9। देखो ये आपको जो गिवन दिया वो सीधा आपको दे दिया। तो 10 ईयर एगो बोला है एक्स माइनस 10 बिल्कुल, वाई माइनस 10 बिल्कुल, और जेड माइनस 10 कितना हो गया 7:8:9। बिल्कुल आप समझ रहे होगे, समझ रहे कि नहीं, बिल्कुल समझ रहे हो। तो आइए दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, मीन्स इतने इक्वल टू हमारा क्या हुआ 7 हो गया, मतलब तो एक्स माइनस 10 के सॉरी एक्स माइनस 10 इक्वल टू 7 के। अब कुछ नहीं तो आपको तो एक लेटर मानना पड़ेगा, तो हम के मान दें, वाई माइनस 10 इक्वल टू 8 के, जेड माइनस 10 इक्वल टू 9 के, तभी तो आपको फिर प्रेजेंट एज के निकलेगा कितना है, कुछ तो लेट करना पड़ेगा ना। हाँ तो हम के मान लें, ठीक है। तो आइए इसके निकालिए कितना जाएगा दोस्तों, कितना जाएगा आप निकालिए। अब इसको आप सीधा हिसाब करते हैं, ठीक है, क्या करेगा ये जो एक्स के वैल्यू है पुट करते रहेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। अब ये जो निकाल दे यहाँ पर एक्स इक्वल टू 7 के प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, वाई इक्वल टू 8 के प्लस 10 हो जाएगा। सिंपल सी बात है आपको, ठीक है। आइए दोस्तों ये वाला जो वाला एक्स के वैल्यू आएगी जो 21 में डाल देंगे, इसमें सम था ना टोटल के, आइए क्या करते हैं 7k + 10 + 8k + 10 + 9k + 10 इक्वल टू 150। अभी 8 7 15 9 24k 13 इक्वल टू 150, 24k इक्वल टू 120k इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिवाइड कितना 24 5 हो जाएगा, k इक्वल टू 5। अब ये जो k वैल्यू है सीधा हम पुट कर देंगे इसमें, तो हमारा क्या निकल जाएगा, आइए दोस्तों पुट करते हैं 7 × 5 + 10 इक्वल टू 7 × 5 = 35 10 = 45। ओके इसमें भी आइए 8 × 5 + 10 वही करना है, ये 55 हो जाएगा, 9 × 5 + 8 = 40 ये 50 हो जाएगा, और प्लस 10 9 × 5 = 45 10 = 55। तो ये हमारा 3 एक्स वजेट क्या हो गया प्रेजेंट इसके हो जाएगा, ये हमारा देख सकते हैं आप देख सकते हैं ये है 45 50 55, ठीक है दोस्तों आपको दिख रहा है आंसर बिल्कुल। अब क्या दे रखा है, द नंबर्स आर 46 35 42 आर नॉट इन पर्पस इन द फोर्टम, फोर्टम आपको निकाल देना है, तो इसमें कुछ आपको है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, समझ आएगी नहीं आपको, मतलब ए बी सी फोर्थ है ना, इसको मान लो प्रोपोर्शन नहीं है, तो आपको निकाल सकते हैं ए बाई बी इसको, मीन्स 35 × 16
और कितना जगह है, हाँ डिवाइड 14, ये 14 है, 14 आ गए। अब x बाई वाई इजकल टू जे एड बाई डब्ल्यू इम्प्लाई वाई बाई एक्स इजकल टू, ये कौन सा है, आपको डिविडेंडो ही कॉम्पोनेंडो ही अल्टरनेटिव आपको मैं बताया, तो x बाई वाई इजकल टू जैसे a बाई बी इजकल टू सी वाली, तो क्या हो रहा है ऊपर नीचे होती है, मैंने क्या है अल्टर मतलब अल्टरनेटो ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो गया, ये हमारा क्या अल्टरनेटो हो गया। p बाई इजकल टू आर बाई एस इधर रखा है, p माइनस आर की माइनस एस इज द प्रोसेस क्या होगा सबट्रेंडो। ओके बिल्कुल ए बाई बी स्कूल ये जो मैं प्रॉपर्टी ऊपर पट्टी आप जरूर ध्यान देना, ऐसे भी कुछ ना सकता है, इसलिए कह रहे हो पहले बोल दिया था आपको ए माइनस बी स्क्वल टू सी माइनस डी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस किसका है कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो आपको बिल्कुल पता होगा। आइए 22 नंबर यू बाई बी स्कूल डब्ल्यू बाई पी ई माइनस बी, जिस पर कॉल किया है इनवर्टेंड नहीं है बिल्कुल एल्टरनेटिव भी नहीं, नॉन ऑफ डिज हो जाएगा। 12, 16 और बीच में स्टार मीन्स इसका पहले को निकालना है, 20 आज के परसेंट देन ये स्टार क्या हो बिल्कुल 12 इंटू 20 डिवाइड 16 कितना देगा 15, हमारा 15 है इसमें बिल्कुल 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी सेम उसी तरह है द मीन पर परसेंट ओ हो 1.4 ग्राम्स एंड 5/6 मीन आते ही आपको मल्टीप्लाई कर क्या निकालना है रूट कितना आ गया 7.82 2.8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2.8, ये मत लगा था ना फिर 2.8 ग्राम ठीक है। और फिर एज कल टू 5 पुट करना है फिर खत्म, ये आई एस 27 और क्वेश्चन आपको सही है ये मैं बताऊंगा। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3/4 इफ 6 बी एडेड टू ईच टर्म, मतलब ये रेशियो दे रखा है उसमें हम क्या करें 6 ऐड करेंगे इस टर्म में देन द न्यू हमारा क्या आएगा 4/5। आपको मैं रेशियो चैप्टर भी कुछ आपको ऐसे बताया था बातें प्रोपोर्शन एग्जांपल भी था, तो आइए यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट करा दूँ एग्जांपल्स के थ्रू लगे करा दो बिल्कुल। तो आइए हम एक चुन लेते नंबर 18 एंड 24 नंबर चुनते हैं, 80 एंड कितना है बाई 24 नंबर चुन, उसमें क्या होता है कि 6 ऐड करें तो हमारा न्यू रेशियो क्या आएगा 4/5 आएगा, तो इसमें भी 6 ऐड कीजिए इसमें भी 6 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 24 ये 30 हो जाएगा, 6 4 24 6 5 मीन्स 4/5 आ जाएगा बिल्कुल। और दूसरा भी आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, इसमें प्लस 6 सेट कीजिए इसमें भी प्लस 6 सेट कीजिए ये 23 24 कटेगा नहीं कटेगा बिल्कुल, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4/5। इसीलिए मैं आपको पहले एक चुन लिया था नंबर जो सही आ गया, अब आएगा वो क्वेश्चन नंबर 28। हम इतने क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं दोस्तों ए बाई 4 स्कूल बी बाई 5, क्या इसमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है, अगर प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब ये प्लस बाई माइनस वाला आ गया है मीन्स कंपोनेंट डिविडेंडो में क्या होता है ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे निगेटिव होता है, तो मीन्स ये पॉजिटिव निगेटिव ये निगेटिव ये गलत हो गया, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ये हमारा क्या आएगा बी नंबर सही होगा, बाकी दोनों जरूरत नहीं है। ए बाई 20 स्कूल ऊपर ये इसमें पुट करना है रखना है, देखिए आपको मैं बता देता हूँ ए बाई बी इजकल टू कितना है 4/1 है सर ये है ना बिल्कुल, रूट ए बाई बी इजकल टू बी बाई ए आपको निकाला है रूट ए बाई बी है प्लस रूट बी बाई ए यही है ना बिल्कुल, तो मीन्स 4/1 प्लस रूट 1/4 यही है ना 2 हो जाएगा प्लस 1/2 टू टू 5/2 यही होगा ना 5/2 ठीक है। तो आपको कहते अब इसका वैल्यू क्या होगा सीधा आपको पता ही होगा, ये ऐसे ऐसे कुछ आपको बहुत सिंपल ही मिलेगा। तो फिर मैं प्रोपोर्शंस भी आपको ख़त्म हो गया, अब अगले से टॉपिक आने वाला है इंडिसेज, जो वहाँ पर आपको भी कहीं दो लेक्चर लग सकते हैं आई एफ में, लेकिन आपको वो भी मैं ख़त्म करा दूँगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक लिए ही रखते हैं, आप जरूर ध्यान से पढ़े और बाकी लेक्चर भी आप देखते रहिए टाइम से टाइम, और अच्छे लगे तो आप वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर्स में।